हेलो गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यह एजुकेशन पॉलिसी कल हमारे मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि अब नाम चेंज हो गया HRD मिनिस्ट्री का, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको बोला जाएगा, उसके मिनिस्टर राम आर पोखरियाल जी ने ये एजुकेशन पॉलिसी इसको इनॉग्रेट किया है। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में, और ये प्रकाश जावड़ेकर का ट्विटर का हैंडल का कटआउट है, उसमें इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में बताया है। और बोला है कि ये पॉलिसी जो आज के जो चैलेंज है उसको टैकल करते हुए इस पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस किए गए हैं। और ये पॉलिसीज़ 2018 में मिस्टर के रंगन राजन के अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर लाई गई है। इस पॉलिसीज़ को देख इसमें डिस्कस किया जाएगा। एंड ये न्यूज़पेपर का कटआउट है, इसमें ये बोला गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच इज़ स्कूल एंड हायर एजुकेशन टू सी मेजर चेंजेस। इस पॉलिसीज़ में इन दोनों फील्ड में काफ़ी मेजर चेंजेस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम इसके बैकग्राउंड पर एक बार नज़र देखते हैं कि मई 2018 में एक ड्राफ्ट लाया गया था जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोला, और ये ड्राफ्ट जिस कमेटी ने लाया उस कमेटी को चेयर करते थे के कस्तूरी रंगा रंजन, जो कि फॉर्मर इसरो के चीफ भी रह चुके हैं। और उन्होंने यह ड्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को दे दिया था। सो दिस पॉलिसी एम टू मेकिंग इंडिया ए नॉलेज सुपर पावर, और इसका मेन एम था कि इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाना, देन हर स्टूडेंट को एक नेसेसरी स्किल प्रोवाइड करना और उसको नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि वो आगे जाके किसी भी विदाउट एनी नॉलेज, या अगर वो पूरी अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसको जॉब लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो उसको एज ए नेसेसरी स्किल प्रोवाइड कराना। देन इस पॉलिसीज़ के की हाइलाइट्स क्या हैं, इसमें से एक है कि 4-year अंडर ग्रेजुएट विद मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम है। अब मतलब इसमें ये कि जो डिग्री हो जो होती है 3 से 4 साल की हुआ करेगी, और इस डिग्री में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट हुआ करेंगे। देन इसमें है कि अबॉलिश द एमफिल डिग्री, एमफिल की जो डिग्री है उसको अबॉलिश कर दिया गया। देन एस्टेब्लिश ए कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर विद फी फिक्सेशन फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन पब। देन इसमें एक कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर बनाया गया है जो कि फीस फिक्सेशन को देखे, और ये दोनों, और ये जो कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर है, जो रेगुलेटर है, ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया गया है। आगे इसमें है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए। देन आगे इसमें है कि इसमें कि एक न्यू स्कूल करिकुलम लाया जाएगा जो कि वोकेशनल स्टडीज़ के साथ हो, और जो स्टार्ट हो क्लास सिक्स से स्टार्ट होगा ये वोकेशनल स्टडीज़, जो नया स्कूल करिकुलम लाया गया उसमें वोकेशनल स्टडीज़ भी इंक्लूड है, जो कि क्लास सिक्स से स्टार्ट होगा। देन मदर टंग लैंग्वेज को उसमें यूज़ किया गया एज ए मीडियम क्लास फिफ्थ तक के बच्चों के लिए, जो क्लास फिफ्थ तक के बच्चों के लिए मदर टंग की लैंग्वेज को ही एज ए मीडियम उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। देन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। सो आज से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाता है। देन ये कमेंट हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी मिस्टर अमित खरे का है, उन्होंने बोला है कि आज की जो डेट में जो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं डीम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देन डिफरेंट इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन है, उनको ये जो डिफरेंस उनको क्लियर करके एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है जो ये सारे डिफरेंसेस को पूरा करती है, मतलब हटाती है। सो ये एजुकेशन पॉलिसी इस डिस्पेरिटी को ख़त्म करके एक इक्वल प्ले ग्राउंड प्रोवाइड करेगी, और ये नॉर्म सभी के लिए सेम होंगे, ये कहना है हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी मिस्टर अमित खरे का। इसमें कुछ और चीज़ें कि एक थ्री लैंग्वेज फार्मूला भी यूज़ किया गया। इस थ्री लैंग्वेज फार्मूला में इसका मतलब है कि जो चिल्ड्रन है उसको तीन चॉइस दिए, इन तीन चॉइस में से उसको ये दो चीज़ें या मैं तीन चॉइस की मैं तीन लैंग्वेज दी जाएंगी, इस तीन लैंग्वेज में उसको दो लैंग्वेज को उसको उसको पढ़ना होगा, लर्न करना होगा, और ये दो लैंग्वेज को उसकी ये नेटिव होंगी इंडिया की, कोई भी इसमें फॉरेन लैंग्वेज वो एक सेकेंडरी होगी उसमें, लेकिन इसमें दो लैंग्वेज तो आपको करना पड़ेगा। देन इसमें एक 10+10+2 का स्ट्रक्चर और स्कूल करिकुलम है,
उसको रिप्लेस किया गया 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर से। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा अलग से देखते हैं इसको। सो 5+3+4 स्ट्रक्चर के बारे में, द 10th स्ट्रक्चर जो कि स्कूल करिकुलम इसको रिप्लेस किया है 5+3+4। इसका मतलब है कि जो एज जो है, एज गैप है, जो कि 5 मीन्स 3 से 8 साल के बच्चे, देन 3 8 से 11, देन 3 11 से 14, देन 4 14 से 18 साल के बच्चों का, जो ए जो 5+3+3 को एक एज गैप लिखा है इसमें। सो जो अभी हमारे में चल रहा है कि जो एज गैप जो अनकवर्ड था, जिसको हम इसको हम अनकवर्ड करके रखते, इसको हम काउंट नहीं करते थे जो 3 से 6 साल के बच्चे का, क्यों, बिकॉज 3 से 6 साल के जो बच्चों का जो माइंड होता है ना, वो स्टार्टिंग फेज है और वो काफ़ी क्रूशियल स्टेज में होता है, क्योंकि ये एक मेंटल फैकल्टीज ऑफ चाइल्ड जो इसको डेवलप करता है, इसी एज में ही बच्चा जानना सीखता है और वो माइंड डेवलप होता है। सो इस एज को यूज़ करने के लिए ये 5+3+3+4 का करिकुलम स्ट्रक्चर लाया गया। सो द न्यू सिस्टम विल हैव 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग विथ 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूलिंग। 3 साल जो प्री ईयर्स का जो उसमें, या तो आंगनवाड़ी होगा या प्री स्कूलिंग होगा। सो 5+3+3+4 डेट इज 5+8 10 11 4 15 ईयर्स। सो ये 15 ईयर्स का पूरा स्कूल हो गया। देन आगे ये न्यूज़पेपर का कटआउट है, इसमें और डिटेल्स दे रखे हैं, इसमें लर्निंग प्लान के बारे में दे रखा है, देन कि पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज किया गया क्यों 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, बिकॉज अभी जो करेंटली हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन में खर्च करिए वो मे बी सॉरी जो अभी करेंटली हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन पर खर्च कर रही है वो लगभग 3% के आसपास, जो काफ़ी कम है, या बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं अपनी जीडीपी का मोर देन 6% खर्च कर रही हैं। सो उनकी कंपेयर हमारी कंट्री काफ़ी कम एजुकेशन पर खर्च कर रही है, इससे एजुकेशन में वो आउटपुट नहीं आ पाता, वो खर्चा नहीं हो पाते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बजट जो एजुकेशन बजट है वो टीचर्स की सैलरी में या इंफ्रास्ट्रक्चर में चला जाता है। सो वो आउटपुट है। देन इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज कर दिया है। देन सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट बनाया जाएगा, जो कि डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट बनाया जाएगा। देन स्कूल एजुकेशन में क्या है, यूनिवर्सलेशन किया है कि एज 30 से 10 साल के बच्चों को 2030 को यूनिवर्सलेशन किया जाएगा। देन जो इंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल की जाएगी 2025 तक, उसके लिए एक मिशन चलाया जाएगा। देन मदर टंग को एज ए मीडियम यूज़ किया जाएगा क्लास 5 तक के बच्चों के लिए, जहाँ पॉसिबल हो सके। देन 21st सेंचुरी को इंक्लूड किया जा, जो हमारे न्यू करिकुलम है उसको, जो 21st सेंचुरी के काफ़ी जो स्किल्स है उनको इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। देन बोर्ड एग्जाम को और ईजियर किया जाएगा और उसको और रीडिज़ाइन किया जाएगा। देन हायर एजुकेशन में किया गया कि न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर बनाया जाएगा सभी ऑल हायर एजुकेशन के लिए, एक्सेप्ट मेडिकल और लीगल कोर्सेज का, मेडिकल और लीगल के जो कोर्सेज उसको छोड़ के बाकी अदर हायर एजुकेशन के लिए एक अम्ब्रेला रेगुलेटर बनाया जाएगा। देन फ्लेक्सिबल हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी कोर्सेज होंगे, जो मैंने बताया कि 3 से 4 साल का मल्टीपल एंट्री एग्जिट वाला। देन 1 से 2 साल का पीजी प्रोग्राम भी होंगे, जिसमें और एमफिल को इन्होंने अब्लिश कर दिया है। देन कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम भी फेज होगा, जो कि नेक्स्ट इन 15 सालों में। देन आगे इसमें हमारे एमपी हैं मिस्टर सतीश तरू, उन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसीज का वेलकम किया, लेकिन उन्होंने कुछ पॉइंट भी बोले हैं कि इस पर भी गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, बिकॉज ये पॉइंट काफ़ी हमारे सिलेबस के लिए काफ़ी अच्छे हैं। सो ये चैलेंज उन्होंने दिए हैं कि उन्होंने बोला है कि जो गोल है 6% ऑफ जीडीपी खर्च करना है एजुकेशन पे, वो पहली बार ही 1948 में दिया गया, लेकिन एवरी गवर्नमेंट जो उन्होंने आर्टिकुलेट किया था ये टारगेट, लेकिन उन्होंने अचीव नहीं किया। और जो अभी करंट गवर्नमेंट है उनका लास्ट 6 ईयर का देखा जाए तो उन्होंने जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो एजुकेशन में, वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है रियल टर्म्स में। सो इस टारगेट को वो कैसे अचीव करेंगे, हाउ विल इट रीच टू 6%। देन जो गोल है 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लाएंगे हायर एजुकेशन में और 100% इन सेकेंडरी स्कूल में, वो अच्छा है, लेकिन बट जब रियलिटी में देखा जाए तो जो अभी करेंटली है वो 25.8% हायर एजुकेशन, जिसको हमें 50% लाना है, और जो कि 68% है
क्लास 9th में, जिसको मैं 100% ला रहा हूँ। तो इसको वो कैसे, टारगेट को वो कैसे अचीव करेंगे। देन उनका तीसरा चैलेंज है, एक सेकेंड वेट, हाँ, देन उसका उनका तीसरा चैलेंज है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड इनोवेशन पर इंडिया की, वो डिक्लाइन होता जा रहा है बार हर साल, क्योंकि 2008 में जो हम जीडीपी का 0.8484% खर्च कर रहे थे, वो आज 2018 में 0.6% ही इस रिसर्च एंड इनोवेशन पर खर्च कर रहे हैं। सो इसको कैसे अचीव करेंगे। देन जो करेंटली अभी हमारे 15 रिसर्चर्स हैं पर 1,00,000 पर, बट अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो वो चाइना के बैठ रहे हैं 111, जो कि कहीं से भी मैच नहीं हो पाएगा टारगेट। सो इन चीज़ों पर अभी गवर्नमेंट को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, और अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पर भी थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा, जब अगर इन टारगेट को अचीव करना, अपना 6% की, सो 6% का एजुकेशन पर खर्च करना है, और जनरल एजुकेशन देन जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को अचीव करना है 50% 100% रेस्पेक्टली, तो उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर और थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द स्टडी सेंटर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।